फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लश एंड स्टफ। तो ये वीडियो है हमारी करोल बाग मार्केट की। अब इस वीडियो में आपको ज़्यादातर समर कलेक्शन दिखेगी क्योंकि विंटर्स आर ऑलमोस्ट ओवर। तो अब हम सारी वीडियोस समर कलेक्शन की आपको दिखाएंगे। करोल बाग मार्केट में एक सबसे बड़ा चेंज हमने ये देखा कि जितनी भी लोकल स्ट्रीट मार्केट्स थी, जो सारे वेंडर्स लेके खड़े होते थे स्टॉल्स पे कपड़े और एक्सेसरीज और सब, वो सब ख़त्म हो चुका है। अब बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट्स कर दी हैं उन्होंने, और जितनी भी आपको स्टॉल्स वगैरह दिखेंगी वो बिल्कुल गलियों में अंदर जाके थोड़ी थोड़ी स्टॉल्स रह गई हैं और ऑलमोस्ट शॉप्स वगैरह हैं। तो आपको मिलेंगी यहाँ पर नीट एंड क्लीन स्ट्रीट्स और बेंचेस पे मिलेंगे बैठने के लिए। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे कॉर्नर पर जहाँ पर आप एंट्री करेंगे करोल बाग मार्केट में, इन फ्रंट ऑफ गफार मार्केट रोड, ये आपको एक कुशन कवर का स्टॉल मिलेगा जिनके पास बहुत सुंदर वैरायटी थी कुशन कवर्स की, और इनके प्राइसेस स्टार्ट हो रहे थे 100 and 150 रुपीस से पर कुशन कवर। तो आप ये देख सकते हैं इनके पास काफ़ी यूनिक और डिफरेंट वैरायटी थी कुशन कवर्स की और कुशंस की भी। इस स्टॉल पर आपको टेबल मैट्स और टेबल कवर्स भी मिलेंगे। टेबल कवर्स इनके पास 100 रुपीस से स्टार्ट हो रहे थे, और ये जो कुशन कवर्स हैवी क्वालिटी के हैं वो 400 and 500 रुपीस के थे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि विंटर कलेक्शन इज़ ऑलमोस्ट ओवर, तो ये थोड़े थोड़े स्टॉल्स बचे थे गलियों में जो 150 रुपीस के स्वेटर्स इन्होंने लगाए हुए थे फॉर स्टॉक क्लियरेंस। जितने भी आपको ये 2-3 स्टॉल्स मिलेंगे और जो टॉप्स वगैरह स्वेटर्स एंड ऑल मिलेंगे, ये 150 से 200 के बीच में थे। कुछ ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक्सपोर्ट का सामान है, मतलब एक्सपोर्ट टॉप एंड एक्सपोर्ट स्वेटर्स, जो कि 150 और 200 रुपीस की रेंज में है। तो आप ये जो भी एक्सपोर्ट का सामान है वो आप चेक करके लेना कि कोई स्टेन या कोई होल ना हो। तो कुछ विंटर स्टॉल्स को छोड़कर बाकी आपको सारी गलियों में स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पर आपको कुर्तीज, प्लाजोज और नॉर्मल टॉप वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये जितनी भी कुर्तीज और प्लाजोज हैं ये 200 रुपीस से स्टार्ट होते हैं। कुर्तीज़ और प्लाजोज़ के साथ साथ आपको कुछ लॉन्ग टी शर्ट्स और फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स और पजामास, ये सब भी मिल जाएंगे जो कि 200 रुपीज़ से ही स्टार्ट हो रहे थे। 200 से 400 की इनकी रेंज थी। जितनी भी विंटर कलेक्शन थी सब पर ऑलमोस्ट ऑफ लगा हुआ था फॉर द क्लियरिंग स्टॉक, बट जितनी भी समर्स स्टॉक था, जितने भी पजामे और टी शर्ट्स वगैरह थे, वो सारे फ्रेश में थे और उस पर कोई डिस्काउंट भी नहीं था। करोल बाग मार्केट में जो आपको कुर्ती की स्टॉल्स मिलेंगी वो ऑलमोस्ट लॉन्ग कुर्तीज़ और फ्रॉक स्टाइल कुर्तीज़ होंगी जो आप नॉर्मल विदाउट प्लाजोज भी वेयर कर सकते हैं, और उन सबका प्राइस भी 200 और 300 के बिटवीन ही था। ये जो आप स्टॉल पे प्लाजोज देख रहे हैं ये प्रिंटेड और प्लेन प्लाजोज हैं, और कुर्तीज़ भी जैसे आप देख सकते हैं सारी लॉन्ग एंड प्रिंटेड कुर्तीज़ हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये कुर्ती, प्लाजो, स्वेटर, पजामा, टी शर्ट, इन सब के अलावा यहाँ पर आपको ये ट्रॉली बैग्स, स्कूल बैग, डफल बैग्स, लैपटॉप बैग्स, ये सब भी मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये ब्रांडेड नहीं है तो ये अच्छे नहीं होते, और इनका ये जो ट्रॉली बैग्स हैं इनका प्राइस स्टार्ट होता है 800 रुपीज़ से। ये जैसे आप सामने देख रहे हैं ये मिनियन का बैग था, ऐसे टॉम एंड जेरी, बारबी, ये सब तरीके के बैग्स भी थे, और ये जो लैपटॉप बैग्स हैं या पीछे बैकपैक्स हैं ये 400 रुपीस से स्टार्ट हो रहे थे। तो आपको इनकी बहुत सारी इकट्ठी शॉप्स मिलेंगी जैसे ही आप करोल बाग मार्केट में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर 3-4 इकट्ठी शॉप्स हैं। नॉट टू मिस आर फुटवेयर कलेक्शन। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि हम हर मार्केट की फुटवेयर कलेक्शन ज़रूर कवर करते हैं। करोल बाग मार्केट में आपको एंडलेस वैरायटी मिलेगी फुटवेयर की। ये जो भी कोल्हापुरी चप्पलें आपने देखी, स्लिपर्स, सैंडल्स, बेलीज, फ्लैट्स, हील्स, आपको हर तरीके की वैरायटी मिलेगी, और इनकी रेंज 300 रुपीस से स्टार्ट होती है। यहाँ पर जितनी भी सारी शॉप्स हैं इनकी प्राइस रेंज थोड़ी सी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। यहाँ पर आपको बच्चों के भी जूते मिलेंगे, बेलीज, स्नीकर्स, स्लिपर्स, सब आपको काफ़ी वैरायटी और काफ़ी ऑप्शंस में मिल जाएगा। तो जब भी आप करोल बाग मार्केट विज़िट करें तो फुटवेयर कलेक्शन देखना ना भूलें। इनके प्राइजेस स्टार्ट होते हैं 300 एंड 400 रुपीज़ से,
और बार्गेनिंग काफ़ी मुश्किल से ही करते हैं यहाँ पर इस मार्केट में स्पेशली। और यहाँ पर आपको मिलेगी एक शॉप जहाँ पर आपको ब्रांडेड बेल्ट्स एंड पर्सेस मिलेंगे। ये जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, इनके पास बहुत ही सुंदर स्लिंग बैग्स और नॉर्मल हैंड बैग्स की कलेक्शन थी और इनके प्राइसेस वगैरह थोड़े से हाई थे क्योंकि इनके पास फर्स्ट कॉपी भी होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारी बेल्ट की कलेक्शन है, इनके पास बहुत सारी ब्रांडेड बेल्ट्स भी होती हैं जो फर्स्ट कॉपी या सेकेंड कॉपी होती है और इनकी प्राइस रेंज 1000 से ऊपर होती है। तो बेल्ट्स, बैग्स, शूज़, फुटवेयर, इन सब के अलावा करोल बाग मार्केट में आपको ऐसे स्ट्रीट्स पर छोटे छोटे ठेले दिखेंगे जहाँ पर आपको ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलेगी, या इनके पास फ्लावर ज्वेलरी भी होती है और नॉर्मल सिल्वर एंड गोल्डन ज्वेलरी भी होती है। तो अगर आप ज़्यादा कॉस्टली ज्वेलरी ना ख़रीदना चाहें अपने इंडियन एंड वेस्टर्न वेयर्स के साथ, तो आप यहाँ से ये सामान ख़रीद सकते हैं जो कि स्टार्ट होता है ₹100 से। ये जो आप नेक पीसेस देख रहे हैं ये ₹100 से स्टार्ट होते हैं और जितनी भी बैंगल्स हैं वो भी 50-60 रुपीज़ से स्टार्ट होती हैं। फ्रेंड्स, तो आपको इस मार्केट में ये हेयर एक्सेसरीज़ भी मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको ये आर्टिफिशियल हेयर एक्सटेंशंस, जूड़ा, नॉट हेयर बैंड्स और बच्चों के भी हेयर बैंड्स, क्लिप्स वगैरह, इन सब की बहुत वैरायटी मिलेगी। हेयर बैंड्स जैसे कितने भी वैरायटी, कितने भी कलर्स में हो, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल थी और इनका प्राइस स्टार्ट हो रहा था ₹60 से। तो ये हमारी करोल बाग मार्केट पर वीडियो थी जिसमें हमने आपको दिखाया कि कैसे इस मार्केट में थोड़े चेंजेस हो चुके हैं। यहाँ पर इन लोगों ने, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल क्लीन हो चुका है। कोई भी स्ट्रीट, जितने भी स्ट्रीट होल्डर्स होते हैं जो स्ट्रीट पर अपने ठेले या अपनी शॉप्स लगाते हैं, वो सब अंदर हो चुकी हैं और बिल्कुल खाली खाली मार्केट हो गई है। सो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।